लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ शंकर शरण ओमी ने किया। बैठक में एसडीपीओ ओम प्रकाश, नगर थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह, नगर निगम के पदाधिकारी सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। छठ महापर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई। शांति समिति की बैठक में आए हुए लोगों के द्वारा छठ महापर्व को लेकर होने वाली समस्याओं को जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। इस दौरान लोगों ने संवेदनशील घाटों पर बैरिकेडिंग के अलावा गोताखोरों की व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही सभी घाटों पर आने जाने वाली सड़कों की मरम्मत के साथ लाइट की व्यवस्था की मांग की गई। साथ ही छठ घाटों पर महिला पुलिस बल की तैनाती की मांग किया गया। मौके पर एसडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर विधि व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। शांति समिति बैठक के उद्देश्य के बारे में उन्होंने कहा कि आम जनों के सहयोग के लिए इस बैठक आयोजन किया गया है, ताकि आम जन छठ पर्व को लेकर जो व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है उन्हें वो अवगत कराए। शांति समिति की बैठक में लोगों ने भी अपने अपने विचार को व्यक्त किए और कई ऐसी समस्याएं थे जिनके बारे में प्रशासन को भी पता नहीं था, जहां उनके द्वारा अवगत कराने के बाद उन्हें समस्याओं के समाधान करने का आश्वासन दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी छठ घाटों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जो है टाउन थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें यहाँ के विभिन्न घाटों के जो विभिन्न घाटों के जो छठ व्रतियों की सेवा करते हैं और ये घाट कमेटी के लोग तथा हमारे जो प्रशासन के सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, नगर निगम के और अन्य कई विभागों के। इसमें मुख्यतः जो है लोगों की डिमांड थी नगर निगम से कि घाटों की जो साफ़ सफाई हो वो पूरी तरह से हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो घाटों पर, जिससे कि जो भी है छठव्रती या उनके परिजन हैं उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए नगर निगम के जो भी पदाधिकारी, नगर आयुक्त महोदय भी भ्रमणशील होकर के जो भी जहाँ तक संभव हो सके घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। और हम लोग वैसे घाटों को भी चिन्हित किए हैं जहाँ पर जो खतरे के निशान से ज़्यादा ऊपर है, मतलब जहाँ पर छठ करना संवेदनशील घाट है, मुनासिब नहीं है, तो वैसे घाटों को भी चिन्हित किया गया है। आमजनों से भी अनुरोध रहेगा कि वैसे चिन्हित किए गए प्रशासन के द्वारा घाटों पर वो छठ पर्व ना मनावें, जिससे कि किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। छठ पर्व में नगर थाना प्रांगण में छठ पर्व के अवसर पे शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शांति समिति के सीनियर मेंबर, यंग मेंबर और प्रशासनिक पदाधिकारी लोग भाग लिए। इसमें हम लोगों ने विधि व्यवस्था से संबंधित और प्रशासनिक संबंधित सारी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है और यहाँ आम जनों के सहयोग के लिए हम लोगों ने बुलाया था। और कोई मतलब प्रॉब्लम है बचा हुआ जो सॉल्व नहीं हो सका है छठ से संबंधित, उसके लिए हमने बुलाया था और वो लोग हम सारी बातों से संतुष्ट है। हम लोग जो बचे हुए चीज़ है उसको सॉल्व कर रहे हैं और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा और विधि व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हर महत्वपूर्ण पॉइंट पे एसपी सर के द्वारा, डीएम सर के द्वारा रिव्यू करके सभी जगहों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट को डिप्यूट किया गया है। जिलावासियों से अपील है कि छोटी बातों को, किसी भी तरह की कोई अफवाह या कोई बात हो तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, हम लोग उसको तुरंत निपटाएंगे। बैठक में मुख्य बातें सामने आई कि यहाँ के लोग कहते हैं कि मैंने घर खाली हो जाता है तो चोरी होने की संभावना रहती है, और नगर निगम से संबंधित कुछ बातें थी, नगर निगम के एसडीओ साहब थे, उन्होंने सारी बातों को सॉल्व करने का आश्वासन दिया है। और जो पुलिस गश्ती संबंधित बातें वो लोग चाह रहे थे, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू करके वहाँ पे गश्ती दे रहे हैं।